हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो आज मैं बनाने जा रहा हूँ वो है ब्रेड रोल। और ब्रेड रोल के लिए मैंने यहाँ पे करीब 4 से 5 आलू लिए हैं, जो मैंने उबाल के पहले से बीच में से कट करके रख दिए। और यहाँ पे मैंने मटर लिया है 1 कटोरी, जिसको मैंने पहले ही उबाल के रखा हुआ है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे सैंडविच ब्रेड का इस्तेमाल करने वाला हूँ दोस्तों, ब्रेड रोल बनाने के लिए। और वहाँ पे मैंने शेजवान सॉस लेके रखी हुई है, उसके साथ थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से मसालों को यूज़ करने वाले हैं, ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करने वाले हम। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इसमें स्वाद अनुसार नमक ही डालूंगा, क्योंकि दोस्तों शेजवान सॉस में पहले से नमक मिर्च सभी चीज़ होती है, इसलिए मैं इसमें स्वाद अनुसार सिर्फ नमक डालने वाला हूँ। ज़्यादा नहीं दोस्तों, मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगा। अब मैं इसके बाद इस दोनों को अच्छे से मैश कर दूंगा। देखिए दोस्तों, मैं आलू को मैश कर रहा हूँ अपने हाथों से ही, और साथ ही साथ हम मटर को भी मैश करेंगे। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे आलू को और मटर को अच्छे से मैश कर लिया है। अब दोस्तों, हम अपने पैन को गर्म करेंगे आलू को और मटर को भूनने के लिए। लीजिए दोस्तों, हमारा पैन बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल डाल लेता हूँ। सबसे पहले मैं पैन में जीरे को भूनने वाला हूँ दोस्तों, जो जीरा मैंने पहले से निकाल के रखा हुआ है, ज़्यादा जीरा नहीं लेंगे हम दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, हमारा जीरा बिल्कुल भून चुका है। अब मैं इसमें शेजवान चटनी डालने वाला हूँ दोस्तों, ज़्यादा नहीं, 1 से 1.5 चम्मच ही डालूंगा मैं इसमें। तो मैंने यहाँ पे शेजवान चटनी डाल दी दोस्तों। अब इसके बाद मैं मैगी मसाला डालने वाला हूँ। मैगी मसाले के मैंने 5 रुपये वाला जो पाउच आता वो लिया हुआ दोस्तों। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ और मसाले थोड़ी देर भूनने देता हूँ ऐसे ही धीमे धीमे आँच पे। तो लीजिए दोस्तों हमारे ब्रेड रोल का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसमें आलू डालने वाला हूँ, जो कि मैंने पहले ही मैश करके रखे हुए हैं। इसको 2 से 3 मिनट हम ऐसे ही भूनेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारे आलू बिल्कुल रेडी है ब्रेड रोल के लिए। अब मैं इसको निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम अपने ब्रेड रोल के लिए ब्रेड को रेडी करेंगे। तो दोस्तों, मैंने अपने आलू को वहाँ पे निकाल के पहले ही रख लिया है वहाँ पे, अब देख रहे हो कैमरे में। और यहाँ पे मैंने एक बाउल लिया है दूसरा, जिसमें मैंने करीब 1 गिलास पानी लिया है। अब इसी पानी में मैं अपने ब्रेड को थोड़ा सा डिप करूँगा, उसका सारा पानी निकालने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रेड का थोड़ा सा डिप करेंगे, उसको वापस निकाल लेंगे, उसका सारा पानी निचोड़ लेंगे। हम इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं छोड़ना दोस्तों, वरना हमारा ब्रेड रोल बिल्कुल खराब हो जाएगा। देखो दोस्तों, अगर आप चाहो तो इसके साइड में से जो इसकी किनारी होती है उसको काट सकते हो, अगर नहीं चाहो तो आप इसको काट भी नहीं सकते। अब इसमें अपने आलू है, जो आलू भरने वाला हूँ, गर्म गर्म है दोस्तों। ये
जी दोस्तों, हम ऐसे ही सभी ब्रेड को ऐसे तो लीजिए दोस्तों, हमारे रोल बिल्कुल रेडी है। अब हम इनको फ्राई करेंगे दोस्तों। मैं कढ़ाई में तेल ले लेता हूँ दोस्तों। इसको तेल को गर्म कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें रोल डालने वाला हूँ फ्राई करने के लिए दोस्तों। मैं एक एक दो दो रोल फ्राई करने वाला हूँ दोस्तों, और एक साथ ज़्यादा करूँगा तो हमारा तेल ठंडा हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारे ये जो रोल है ये तो रेडी है। अब हम सभी रोलों को ऐसे ही फ्राई कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, हमारे पांच रोल बिल्कुल रेडी हैं। हम इनको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम अपने रोल्स को सर्व कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। लीजिए दोस्तों, हमारे ब्रेड रोल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। और हाँ दोस्तों, ऐसी सिंपल सी डिशेज सीखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई चैनल।